अस्सलामुअलैकुम, मैं महम शहजाद और आप देख रहे हैं कुक ट्यूटोरियल। आज हम बनाए जा रहे हैं चनों की चाट। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर फाइन चॉप, 1 प्याज, हरी मिर्च और आलू। 2 आलू लिए मैंने, उसमें आलू लिए हैं, उसमें हमने फूड कलर डाल के उसको बॉईल कर लिया है, और 1 नींबू लिया है। और मसालों में हमने लिया है नमक जो कि हसब ज़रूरत जाएगा, और जो है खटाई पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, चाट मसाला लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन हमने 1.5 टीस्पून लिया है। और ये जो है लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च, इसको हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1/2 किलो चने लिए हैं जिसको हमने रात में पानी में भिगो के रख दिया था, और सुबह उठ के इसको बॉयल कर लिया, और ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। और इसमें हमने जिस पानी में हमने बॉयल कर रहा था वही पानी हमने इसमें ले लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, फिर मसालों को हम हल्की आंच पे पकाएंगे, दम वाली आंच पे तकरीबन भी अच्छी तरीके से मिक्स करके दम वाली आंच पे पकाएंगे। फिर हम इसमें केचप डालेंगे, ये हम इसमें 1/2 प्याली तकरीबन भी 1/2 प्याली केचप डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें इमली की चटनी डालने जा रहे हैं, वो भी 1/2 प्याली ही डलेगी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें हम लेके इसमें बाकी की सारी सब्जियां डाल देंगे। तो डालना शुरू करते हैं। बाकी के हमने टमाटर डाल दिए, जो आलू उबाल के रखे थे वो डाल दिए, और हरी मिर्च डाल दी। अब हम देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। 3 मिनट ही गैस पर रखेंगे, हम देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और टेस्टी लग रही है। अब हम आपको सर्विंग करके दिखाते हैं चनों की। थोड़ा सा दही हमने नीचे डाल दिया था, और उस पर हमने चने की चाट अपनी डालना शुरू कर दी है। इस पर हमने थोड़ा सा और दही डाला है, और अब हम अपने बाकी आटे तैयार करेंगे, और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत मज़े की लग रही है।